Good morning. Today we are going to discuss poetry, kavita. What is poetry? It is defined differently by different words. When we talk about William Wordsworth, he defined poetry in this way. Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings that are recollected in tranquility. If we talk about Arnauld, the most melancholic poet of his time, he says it is criticism of life. So, when we talk about poetry, especially I love poetry. I like to read it because it enhances our imagination power. So, poetry can be defined into different categories. First is lyrical poem, lyrics, short musical poem, where we see single emotion of that. Then sonnet, 14 lines poem can be divided into octave and sestet. Ballad, it is also a form of lyric, but serious in tone and subject. Elegy, mourn poem, especially when we show lament, grief in love, in death, etc. Then we can say about metaphysical poem, metaphysical poetry, religious poems. Then we see elegy, lyrics, sonnets, ballad, ode. So we are going to discuss about the poem, especially in our board exam. How can we solve all the related questions? जब हम हाई स्कूल स्तर पर या इंटरमीडिएट स्तर पर पोएट्री सेक्शन को हल करते हैं, तो पोएट्री सेक्शन में हमको क्या है कि एक स्टेंज दिया रहता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं और हमको उसको सॉर्ट आउट करना होता है, उसमें से छांटना होता है, और या फिर पोएम के कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको यह बता रहा हूं कि किसी भी पोएम को लेकर उसके सेंट्रल आइडिया को, जिस्ट को या क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लेकर हम उनके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी पोएम है, फायर एंड आइस, इससे किस तरह के प्रश्न आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनको हम इजीली कैसे हल करें, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप हमेशा अपने मस्तिष्क में रखेंगे, नेम द पोएम एंड नेम द पोएट। आपको एक काम करना है कि आप जब भी देखेंगे नेम द पोएम एंड पोएट, व्हाट इज थीम ऑफ द पोएम, द
देन यू हैव टू ड्रॉ थीम ऑफ, थर्ड इज राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज पोएटिक डिवाइस, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड इन दैट पोएम। इन हाई स्कूल लेवल जस्ट यू कैन शॉर्ट आउट राइम वर्ड्स, अदरवाइज यू हैव टू राइट राइम्स। ये बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ दिस पोयम। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय फेमस नेचर पोएट ऑफ अमेरिका रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु इज नोन वॉइस ऑफ अमेरिका। So here he says, there are two opinions about the destruction of this earth. First he talks about Christian mythology. According to Christian mythology, the world will come in its end with extreme fire. When we say extreme fire, either he is indicating towards global warming or he is indicating about our temper, our anger, our intolerance power. There are so many different opinions and different explanation of that. And secondly, he says that the earth will come in its end with extreme cold, ice. कि पृथ्वी का अंत गर्मी से होगा या पृथ्वी का अंत जो है ठंड से होगा। तो गर्मी का आशय हमारी असहनशीलता से है, इंटॉलरेंस पावर से, एंगर से, कि हम इतने असहनशील हो जाएंगे, हम लड़ पड़ेंगे और लड़ने से हमारा विनाश हो जाएगा। या भारतीय मीमांसा, भारतीय दर्शन क्या कहता है कि हम इतने इनसेंसिटिव हो जाएंगे, हम इतने रिजिड हो जाएंगे दूसरे के प्रति, असंवेदनशील हो जाएंगे, हमारे अंदर वो भाव खत्म हो जाएगा दया का। वो इस तरह से जो है इस पृथ्वी के विनाश के दो कारण। लेकिन कवि कहता है कि विनाश का कारण चाहे आपका अत्यधिक क्रोध हो, आपकी अत्यधिक असहनशीलता की शक्ति हो या आपकी असंवेदनशीलता हो, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि संसार का अंत दो बार होगा, ईर्ष्या के कारण। आई नो अबाउट जेलसी। अगर इस संसार का अंत गर्मी से हुआ तो ठंड को गर्मी से ईर्ष्या हो जाएगी, इसलिए एक बार पुनः पृथ्वी का विनाश जो है ठंड ही करेगी। जब हम कभी इस छोटी सी इस लिरिकल पोयम को देखते हैं, जो है तो छोटी लेकिन बहुत बड़े भाव रखती है, कि ईर्ष्या जो है एक डोमिनेटिंग थीम है, विच इज ओवरिंग थीम, जिसके कारण हमको इस पृथ्वी में दो बार विनाश की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक व्यापक अर्थ को समझते हुए कविता के, तो जो आपका फ्रॉस्ट है वो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि भाई ये हमारे अंदर एक ईर्ष्या का जो है वो विद्यमान रहता है, जैसा रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी
का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। सेम थिंग इज हियर बट दिस इज जिस्ट, दिस इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। अगर आप इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना चाहते हैं तो इसको आपको विभिन्न बिंदुओं के में तोड़ना पड़ेगा। आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, थीम देनी पड़ेगी, पोएटिक डेवलपमेंट कि भाई काव्य को जो काव्यात्मक विकास है वो कहां की ओर हो रहा है, कि भाई गर्मी के कारण इस विनाश की प्रक्रिया को बताया गया है और ठंड के कारण बताया गया। इस तरह से पोएटिक डेवलपमेंट लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस कि भाई इसमें आइस है, ट्वाइस है, इस तरह से किस तरह से इसमें जो है आपके राइम वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं। इन सारी चीजों को आप दिमाग में रखकर जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे उसको आप इनको नोट करेंगे कि भाई नेम द पोयम, नेम द पोएट, तो आप लिख देंगे कि भाई नेम ऑफ द पोयम इज फायर एंड आइस एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज थीम ऑफ द पोयम, और आप लिख दोगे जेलिसी, हेट, इनसेंसिटिविटी इज द थीम ऑफ द पोयम। अगर व्हाट आर टू ओपिनियंस अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ, तो आप वहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन मिथोलॉजी द अर्थ विल कम इन इट्स एंड विद एक्सट्रीम फायर। फायर इज सिंबल ऑफ आवर एक्सट्रीम एंगर एंड इंटॉलरेंस पावर। सेकेंड रीजन इज, सेकेंड ओपिनियन इज अकॉर्डिंग टू इंडियन मिथोलॉजी द वर्ल्ड विल कम इन इट्स एंड विथ एक्सट्रीम कोल्ड। कोल्ड इज सिंबल ऑफ इनसेंसिटिविटी, रिजिडनेस। दस इफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, देन यू हैव टू एट ऑल डू टू ओपिनियंस ऑफ द पोएट। बट स्पेशली पोएट सेज आई एम बीइंग अ क्रिश्चियन आई होल्ड द फेवर ऑफ दोज हु से द अर्थ विल कम इन इट्स एंड विद एक्सट्रीम फायर। तो इस तरह से जब हम कभी देखते हैं ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिवनेस को बढ़ाती है, हमारी इमोशंस को जगाती है। इसलिए आई लव पोएम। थैंक यू।